Break the intrusion. मूवी की शुरुआत में मैट टूवर नाम के न्यूज रिपोर्टर और मार्शल नाम के साइंटिस्ट के बीच इंटरव्यू चल रहा होता है। मार्शल ही इस मूवी का हीरो है। वो कहता है कि धरती की हर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, वो है टाइम ट्रेवल। अब ये सुनकर मैट हंसने लगता है क्योंकि मार्शल ने रिसर्च के नाम पर सरकार का लगभग 500 करोड़ खर्च किया होता है। अब आम जनता का टैक्स इस तरह बर्बाद करने के बाद उसको एक दिन का भी हासिल नहीं होता। मैट पूछता है कि 500 करोड़ का आपने किया क्या, अचार डाला क्या? अब मार्शल एक बुक दिखाकर कहता है कि मेरी पूरी रिसर्च इस बुक में है और ये अमेज़न पर भी उपलब्ध है। ये कहकर वो अपनी बुक की पब्लिसिटी भी कर रहा होता है। लेकिन न्यूज रिपोर्टर कहता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट आपके बारे में मजाक बना रहे हैं, इसका आप क्या जवाब देंगे? इस तरह आप पानित होने के बाद मार्शल वहां से चला जाता है, पर मैट लगातार उसके बारे में टीवी में बुरा बोल रहा होता है। अब मार्शल वापस आकर उससे भिड़ जाता है, तभी कुछ लोग उसके मुंह पर आग बुझाने का स्प्रे डाल देते हैं। ये लाइव वीडियो इंटरनेट में कई मिलियन व्यूज कमा रही होती है, साथ ही मार्शल की नौकरी भी चली जाती है। 3 साल बाद मार्शल टाइम ट्रेवल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट का पता लगाता है, जिसका नाम टैक्यून है। उसके प्रयोग से टैक्यूमीटर नाम का डिवाइस बनाया जा सकता है। इस बारे में एक वीडियो बनाकर वो किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। फिर पता चलता है कि उसकी ऑडियंस तो स्कूल के छोटे बच्चे हैं। लाइव टीवी पर उसके इस हादसे के बाद वो साइंटिस्ट से सीधे स्कूल का साइंस टीचर बन जाता है। तब हॉली नाम की एक लड़की उससे मिलने आती है और कहती है, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट की स्टूडेंट हूँ और आपकी बुक पढ़कर मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। टैक्यूमीटर का ऐसा डिटेल्ड रिसर्च शायद ही किसी साइंटिस्ट ने किया होगा। मार्शल चिढ़कर कहता है कि दुनिया मुझ पर हंस रही है और तुम ये बकवास कर रही हो। ये कहकर वो जाने लगता है कि हॉली उसको रोककर एक पत्थर दिखाती है जो उसे रेगिस्तान में मिला था। लगभग 20,000 साल पुराने पत्थर पर आजकल के लाइटर का छाप होता है और उसे वहाँ एक क्रिस्टल भी मिलता है जिससे प्योर टैक्यून एनर्जी निकलती है। उसने वो क्रिस्टल अपने गले में पहना होता है। अब ये देखकर मार्शल चौंककर उस पत्थर पर अपना लाइटर रखता है तो एकदम फिट बैठता है। अगले दिन होली फिर मार्शल से मिलने आता, वो लैब में सो रहा होता है। होली की बात सुनकर वो किसी भी तरह अपना टैक्यूमीटर बनाना चाहता था और सारी रात जाकर उसने टाइम ट्रेवल के लिए टैक्यूमीटर तैयार भी कर लिया होता है। पर क्या वो काम करेगा, ये जानने के लिए दोनों रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहां से होली को क्रिस्टल मिला था। दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जो अमेरिका और मेक्सिको के बीच में होती है। वहां एक दुकान के सिवा कुछ नहीं होता और उस दुकान में विल नाम का एक आदमी होता है। ऐसी सुनसान जगह पर दुकान खोलने के कारण वो राह चलते लोगों को जबरदस्ती कुछ न कुछ बेच डालता है। पर मार्शल डायरेक्टली बोल देता है कि मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ एक सीक्रेट गुफा है जहाँ मुझे जाना है। तब विल का फ्रेंड आता है। विल उससे कहता है कि यार तू दुकान संभाल, मैं टूरिस्ट लोगों को अपनी गुफा दिखाता हूँ। और ये कहकर वो पास के गुफा में जाते हैं। अंदर पानी होने की वजह से वो बोट में जाते हैं। होली के पास टैक्यून एनर्जी फाइंडर होता है और मार्शल के पास टैक्यूमीटर होता है। विल उस गुफा के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताता है कि सुना है यहाँ छिपकली जैसे लोग रहते हैं। अंदर छिपकली जैसा एक रूप उनके सामने आता है, ये विल की सेटिंग होती है। तब अचानक उनका टैक्यून फाइंडर बीप करने लगता है। अब मार्शल कहता है कि मैं टैक्यूमीटर से टैक्यून एनर्जी की ताकत बता सकता हूँ। ये कहकर वो टैक्यूमीटर का नॉब घुमाता है, तुरंत वहाँ अर्थक्वेक होने लगता है। वहाँ का पानी भी अब बाढ़ बनकर बोट को खींच ले जाता है और बोट आगे खड्डे में गिर जाती है। मार्शल आंखें खोलता है तो वो रेगिस्तान में होता है। होली एक दरवाजा खोलकर देखती है तो उस सूखे रेगिस्तान के बीच एक बड़ा शिप होता है और दिन के वक्त आसमान में 3 चांद दिखाई पड़ते हैं। अब वे एक विचित्र दुनिया में पहुंच चुके थे। धरती में जहां भी टैक्यून एनर्जी पाई जाती है उन जगहों के काल कर्म के अनुसार वहां की चीजें आकर यहां पर गिर पड़ती हैं। अब कंफर्म हो गया होता है कि मार्शल का टैक्यूमीटर काम कर रहा है। ये जानकर वो खुशी से चिल्लाता है कि अबे मैटलर यू आर लूजर। अचानक एक आवाज सुनकर तीनों झांक कर देखते हैं। वहां 3 बंदर जैसे आदमी होते हैं, उनमें से एक को बाकी दोनों चाकू से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब उन्हें देखकर ये लोग चिल्लाते हैं और वो दोनों तीसरे बंदर को छोड़कर इन लोगों की ओर आते हैं। अब विल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना लाइटर जलाकर उनके धमकाने की कोशिश करता है, पर उल्टा उसका ही हाथ जल जाता है और दोनों बंदर लाइटर उठाकर भाग जाते हैं। तीसरा बंदर इन लोगों को देखकर छुपने लगता है। ये लोग धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और बात करते हैं। होली अपने सीने पर हाथ रखकर अपना नाम बताती है और उस बंदर का नाम पूछती है। वो भी होली की तरह उस पर हाथ रखकर बताता है कि मेरा नाम चका है। चका के पैर पर चोट लगी होती है। मार्शल उसे ठीक करने के लिए उसके पास जाता है, पर वो डर के मारे मार्शल के मुंह पर रेत फेंक कर भाग जाता है। अब ये लोग उसको चेस करते हैं। अचानक रेगिस्तान में एक बड़ा खड्डा बनता है और वे उसमें गिर जाते हैं। अब वे स्केलेटन से भरी एक गुफा में होते हैं। चका मार्शल से डर कर होली के पास जाकर छुप जाता है। होली चका की भाषा में बताती है कि मार्शल ही हमारा लीडर है। अब बात समझकर चका मार्शल का पैर
पकड़ लेता है। इसी बीच एक पेड़ की जड़ उनकी ओर बढ़ती है और उनके पैरों के बल ऊपर हवा में लटका देती है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ के पेड़ लोगों को इस तरह फंसाकर खा रहे हैं। वहाँ से बचने के लिए वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूलने लगते हैं ताकि उस पेड़ की टहनी को पकड़ सके। लेकिन अचानक गुफा के अंदर से एक टेरेक्स डायनासोर आ जाता है। इन्हें काटने के बजाय वो उस पेड़ की जड़ को काट देता है जो उसके मुंह में फंस जाता है। अब जड़ के टूटते ही मार्शल और साथी नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से बचकर भागते हैं। लेकिन ये घटना दुनिया को दिखाने के लिए होलीविल को खड़ा करके उसके साथ पीछे आते हुए डायनासोर का वीडियो रिकॉर्ड करती है और वे फिर भागने लगते हैं। अचानक चका पत्थर के ब्रिज को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। अबे हमारा इंतजार नहीं कर सकता था क्या? वे चिल्लाते हुए और तेजी से भागकर ब्रिज के पास चले आते हैं। अब अगर वो 2 सेकंड लेट हो जाते तो डायनासोर का खाना बन जाते। डायनासोर ब्रिज के उस पार नहीं जा सकता है और हार मानकर वापस चला आता है। मार्शल खुद को डायनासोर का विकिपीडिया समझकर कहता है कि डायनासोर का दिमाग अखरोट जैसा होता है और वे ब्रिज क्रॉस करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। और ये बात डायनासोर सुन लेता है और तेजी से वापस आकर एक लॉन्ग जंप मारता है और उस तरफ पहुंच जाता है। अब ये देखकर तो इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर ये भागने लगते हैं। एक पथरीले रास्ते से होकर वे पहाड़ के ऊपर गुफा में पहुंच जाते हैं। डायनासोर अंदर नहीं आ पाता और मार्शल को घूर कर चला जाता है। अब अगर बाहर निकले तो डायनासोर हमारा जनाजा उठवा देगा, ये सोचकर वे गुफा के अंदर ही ठहरते हैं। अचानक रेडियो की आवाज आती है। वे अंदर जाकर देखते हैं तो चक्का ने रेडियो चलाया होता है, पर रेडियो के ओनर्स के स्केलेटन वहाँ पड़े होते हैं। ये लोग डर जाते हैं पर फिर भी उस रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। मार्शल कहता है कि चक्का को बाहर सोना पड़ेगा। विल को चक्का अच्छा लगने लगता है तो वो कहता है कि चक्का भी हमारे ही तरह अंदर सोएगा। अब चक्का के बारे में जानने के लिए होली उसके पुरातन भाषा में उससे बात करती है। पता चलता है कि चक्का अपने राज्य का राजकुमार है, पर राज्य की चाह में उसके सेनापति ने उसे यहाँ लाकर मारने की कोशिश की थी। एन वक्त पर इन लोगों ने उसे बचा लिया था। उसकी कहानी सुनकर मार्शल उसे अंदर सोने के लिए अलाउ करता है। विल अंदर से एक बड़ी पेटी लाता है और गुफा का एंट्रेंस बंद करने की कोशिश करता है। मार्शल कहता है कि ऐसी कोई चीज मत रखो जो बाहर से दिखे। डायनासोर से इतने डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका दिमाग अखरोट जैसा ही होता है। अखरोट शब्द कहने पर धाड़ की एक आवाज आती है और बाहर उनके सामने एक बड़ा अखरोट पड़ा होता है। दूर से डायनासोर उन्हें लगातार घूर रहा होता है। अगले दिन मार्शल वीडियो रिकॉर्ड करता है और कैमरे की बैटरी खत्म होने लगती है। खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। मार्शल वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा होता है कि अगर खाना खत्म हो गया तो इसे चका कोई फ्राई करके खाना पड़ेगा। तभी बाकी लोग अंदर आते हैं और बेचारा चक्का इनके लिए फल तोड़कर लाया होता है। फिर ये देखकर मार्शल अपनी सोच पर शर्मिंदा होता है और एक फल को तोड़ता है। अंदर से खतरनाक चींटियां आकर उसके हाथ को काटने लगती हैं। अबे चक्का, मेरी बात तूने सुन ली थी क्या? अब क्या तुम मुझसे इस तरह बदला लोगे? मार्शल की इन बातों के बीच बाहर से तेज रोशनी आती है जो जंगल के बीचों बीच समा रही होती है। अचानक मार्शल को एक इल्यूजन होता है कि एलियन उसे मदद के लिए बुला रहा है। मार्शल तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। विल कहता है, लगता है जंगल में आकर इसका दिमाग फिर गया है, मैं इसे ठीक करने जाता हूँ। और ये कहकर वो उसके सर पर पत्थर एम करता है। सब मार्शल को चेस करते हैं पर वो जंगल के बीच एक सीक्रेट जगह पर जाकर रुकता है। वहाँ पिरामिड शेप का क्रिस्टल होता है। मार्शल और विल जाकर उसको टच करते हैं। तब चका वहाँ रखे हुए मेंढक जैसे पुतले के बारे में कुछ कहता है और दोनों उसे इग्नोर करते हैं। फिर चका उनके पास जाकर अपनी भाषा में कुछ चिल्लाता है। इतने में उन्हें कुछ एलियंस घेर लेते हैं जिनकी आंखें मेंढक जैसी और शरीर छिपकली जैसा होता है। वे इन्हें काटने आते हैं कि होली अपनी बेल्ट घुमाती है। तब मार्शल उस बेल्ट के बकल को घुमाता है और सूरज की रोशनी वहाँ के पुतलों पर गिरती है। तब उस क्रिस्टल पिरामिड का दरवाजा खुलता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। एलियंस उसके अंदर नहीं आ पाते। अब ये लोग दूसरे डायमेंशन में आ चुके होते हैं और वहाँ एक छिपकली जैसा एलियन होता है। इसी ने मार्शल के इल्यूजन में मदद मांगी थी। इसका नाम एनिक है और दूसरे एलियंस ने इसे अलग डायमेंशन में बंदी बनाकर रखा होता है। वे उठकर सामने रखे क्रिस्टल पर हाथ रखता है और एक होलोग्राम बनता है जिसमें जान नाम का दूसरा एलियन दिखता है। एनिक कहता है कि जान मेरे क्रिस्टल पर कब्जा करके इस यूनिवर्स को मिटाने के लिए काम कर रहा है। मैंने उसको रोकना चाहा और इसीलिए उसने मुझे बंदी बना दिया है। उसका अगला टारगेट तुम्हारी धरती है। धरती को और मुझे तुम ही बचा सकते हो। इस तरह वो मार्शल से विनती करता है। डोंट वरी कहकर मार्शल क्रिस्टल पर हाथ रखता है और वो जगह हिलने लगती है। एनिक बताता है कि क्रिस्टल की अरेंजमेंट जरा भी चेंज हुई तो यहाँ के कई दरवाजे खुल जाएंगे और बाहर के एलियंस अंदर आ जाएंगे, इसीलिए इन्हें हाथ मत लगाना। एनिक को बचाने के लिए टैक्यूमीटर की जरूरत होती है और उसे लेने के लिए लोग बाहर आते हैं। टैक्यूमीटर को ढूंढने के लिए मार्शल एक प्लान बना रहा होता है, पर सब उस प्लान को फ्लॉप बताते हैं। मार्शल कहता है कि सबसे पहले हमें उस डायनासोर से बचना है और उसका एक ही सलूशन है। फिर वो एक येलो लिक्विड से भरा कैन दिखाकर कहता है कि ये ट्राइकोसेरियस का मूत्र है, अगर हम इसे अपने शरीर पर डाल देंगे तो टेरेक्स डायनासोर हमारा पता नहीं लगा पाएगा। अब देखिए ये आदमी रिसर्च के नाम पर क्या क्या कर रहा था। रात को जब सब सो रहे थे तो ये जंगल में गया था तो वहां से डायनासोर का मूत्र कलेक्ट करके लेके आया। वो उस कैन का यूरिन अपने ऊपर डाल देता है। ये हमारे खून में भी मिक्स होना चाहिए कहकर वो 2 घूंट पी भी लेता है। अब बाकी के लोग उसकी इस बेहुदा हरकत को देखकर नाक बंद कर लेते हैं। 10 सेकंड के अंदर मार्शल की आंखें चलने लगती है।
और उसकी नाक एकदम ब्लॉक हो जाती है और वो कहता है कि ये प्लान भी कैंसल। वहाँ चका चिल्ला रहा होता है और ये लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। वो उन्हें एक अलग किस्म की जगह पर लेके जाता है जहाँ धरती से गिरी हुई चीजें पड़ी होती हैं। छोटे छोटे डायनासोर भी दौड़ रहे होते हैं। तभी आसमान से एक आइसक्रीम वाली गाड़ी गिरती है। न जाने कहाँ से कुछ डायनासोर आ जाते हैं और आइसक्रीम वाले को अटैक करते हैं और गाड़ी को तहस नहस कर देते हैं। आइसक्रीम वाला उन पर आइसक्रीम उठाकर फेंकता है पर वे उसका सर अलग कर देते हैं। इतने में टेरेक्स डायनासोर भी आ जाता है और उनके सामने एक मादा टेरेगोसोर भी आ रही होती है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। मार्शल कहता है कि लड़ाई के बीच इन दोनों का ध्यान किसी और पर नहीं जाएगा। ये कहकर उसने मूवी बंद नहीं किया होता कि डायनासोर उसको मुड़कर देख रहे होते हैं। अब ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं पर टीरेक्स स्पेशली मार्शल का ही पीछा करता है। वो सबको जिगजैग मोशन में दौड़ाता है ताकि टीरेक्स कंफ्यूज हो जाए, पर टीरेक्स एक ही छलांग में मार्शल का बैग पकड़ लेता है और मार्शल को कहीं दूर फेंक देता है। अब मादा टेरेगोसोर मार्शल का पीछा करती है। मार्शल एक कार के अंदर छुप जाता है पर टेरेगोसोर को पता चल जाता है। अब किसी तरह उससे बचकर मार्शल भाग रहा होता है कि उसे नीचे एक नाइट्रोजन गैस का टैंक दिखता है। उसे उठाकर वो अपने साथियों की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है कि उस पत्थर फेंकने की पुरानी मशीन को रेडी रखो। वे भी उसे ठीक से सेट कर देते हैं। मार्शल आकर उसमें नाइट्रोजन टैंक रख देता है और उसे फोर्स के साथ छोड़ता है। टैंक सीधे डायनासोर के मुंह पर जाता है और डायनासोर पूरी तरह से फ्रीज होकर वहीं गिर जाता है। अब एक ही मिनट में उसका शरीर फट जाता है। तब मार्शल के टैक्यूमीटर का म्यूजिक बजता है। वो देखते हैं कि वो डायनासोर के शरीर के टुकड़ों के बीच पड़ा है। लगता है वो टैक्यूमीटर को निकल गया था। अब इससे पहले कि वे रिलैक्स करते एक पक्षी जैसा डायनासोर उड़ता हुआ आता है और टैक्यूमीटर को लेकर उड़ जाता है। अब मार्शल मायूस होकर एक कार में जाकर लेट जाता है। होली जाकर कहती है कि अरे आप लेट क्यों गए, चलिए हम उस मीटर को ढूंढते हैं। मार्शल कहता है एक बार तो कोशिश करके हार गया, मुझसे और नहीं होगा। होली गुस्से में कहती है सर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, सुना नहीं आपने? पूरी दुनिया आपकी बुक पर हंस रही थी पर मुझे उसमें सच्चाई नजर आई, इस वजह से मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाहर भी कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि दुनिया ठीक ही कहती है कि आप एक साइंटिस्ट नहीं जोकर हैं। और ये कहकर वो चली जाती है। उस रात वे जंगल के एक पेड़ में ठहरते हैं। चका विल को अपने राज्य के बारे में बताता है कि वहाँ की औरतें देखने में साधारण लग पर उनकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, हमारी सारी जरूरतें वही पूरी करती हैं। अब ये सुनकर विल खुश हो जाता है। तभी वहाँ मार्शल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ आता है। कहता है होली तुमने मेरी आँख खोल दी, अब मैं पुराना मार्शल नहीं, मार्शल 2.0 वर्जन हूँ। कल सुबह हम टैक्यूमीटर की तलाश में निकलेंगे। और बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहकर वो बैठकर गाने लगता है। तभी उसकी गर्दन पर एक मच्छर काटता है लेकिन वो गाने में मस्त रहता है। मच्छर खून चूसते चूसते मोटा होकर उड़ जाता है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अचानक मार्शल कमजोर सा फील करता है, उसे नींद आने लगती है, वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है। अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा सोचकर वो लेटने जाता है तो उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा खटमल बैठा होता है जो उसका खून पी रहा था। वो पीठ के बल गिरता है और खटमल पिचक कर मर जाता है। फिर सब सो जाते हैं। अब अगली सुबह मार्शल जल्दी जाकर देखता है कि उसकी पीठ सूजकर लाल हो गई है। वो सबको जाकर मोटिवेशनल स्पीच देता है कि आज हर हालत में हम टैक्यूमीटर को ढूंढेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मैं हिमालय चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अगले सीन में मोटिवेशन देने वाला मार्शल सबसे लास्ट में जा रहा होता है और बाकी सब आगे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वो एक ज्वालामुखी पहाड़ होता है। वहाँ डायनासोर पक्षी का घोंसला होता है और वहीं पर टैक्यूमीटर भी होता है। उस डायनासोर पक्षी के कई अंडे होते हैं। फिर वे कहते हैं कि छोटी सी आहट होने पर भी वे अंडे तोड़कर बाहर आ जाएंगे, इसीलिए हमें सावधानी से चलना होगा। ये कहकर वो विल को आगे जाने को कहता है। वो बेहोशी की एक्टिंग करने लगता है। अब ओवर एक्टिंग मत करो, तुम विल हो, विल स्मिथ नहीं। और ये कहकर मार्शल उसे उठाता है पर वो हिलता भी नहीं। फिर वो चका को बुलाता है, चका भी खरांटे भरने की एक्टिंग करता है। फिर मार्शल खुद रणभूमि में उतरने का फैसला करता है। वो अपनी शर्ट उतारकर बनियान को बांधकर डांस जैसा कुछ करता हुआ अंडों के बीच चलना शुरू करता है। आगे जाकर वो टैक्यूमीटर को उठाकर पहन लेता है और अचानक टैक्यूमीटर का म्यूजिक बंद हो जाता है और अंडे टूटने लगते हैं। लगता है टैक्यूमीटर का म्यूजिक ही उनकी लोरी थी। अब उन्हें सुलाने के लिए मार्शल गाना गाने लगता है और ये दोनों भी गाने गाने लगते हैं और इससे डायनासोर पक्षी के बच्चे फिर सो जाते हैं। और ये क्या, चका भी एकदम सुपर इंग्लिश में गाना गा रहा होता है। टैक्यूमीटर को वापस लेने की खुशी में अब रेगिस्तान के बीच एक स्विमिंग पूल पर भी सेलिब्रेट करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हम धरती पर वापस जा पाएंगे। तब चका एक अजीब सा फल लाकर देता है। ये लोग उसको हरा नारियल समझकर खाते हैं और उसका पानी पीने लगते हैं। तब चका कहता है कि ये एक नशीला फल है, उसे पीकर सब नशे में स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। अब होली टैक्यूमीटर को क्लीन कर रही होती है कि अचानक वो ऑन हो जाता है और दिखाता है कि पास से कई टैक्यून एनर्जी है। नशे में धूत इन लोगों को बुलाने के बजाय होली खुद उस दिशा में जाने लगती है। तब वहाँ एक क्रिस्टल का पिरामिड दिखता है, उसका दरवाजा खोलकर वो अंदर जाती है तो वो एक गुफा जैसी दिखती है।
बाहर ये लोग स्विमिंग पूल के बाहर धूप में लेटे होते हैं और उन्हें भूख भी लगती है। दूर से कोई इनकी ओर भागकर आता हुआ दिखता है। एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा केकड़ा होता है जो इन्हें खाने के लिए भागकर चला रहा है। अचानक जमीन फटती है और वो अंदर गिर जाता है। अब अंदर से गर्म पानी का फुहारा निकलता है और वो केकड़ा पककर बाहर आता है। अब ये लोग उसको खाने लगते हैं। मार्शल चका को किस करके कहता है कि यार मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ गुफा के अंदर डायनासोर के कई अंडे होते हैं। होली एक अंडा उठाती है तो अचानक एक होलोग्राम दिखता है। उसमें जान प्रकट होता है जिसका जिक्र एनिक ने किया था। वो कहता है कि अगर कोई मुझे देख रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एनिक ही असली विलन है। वो मुझे विलन बताकर सबको धोखा दे रहा है और दुनिया पर राज करना चाहता है, इसलिए उससे सावधान रहिए। तब उस होलोग्राम में दिखता है कि एनिक अपने लेजर से जान को मार देता है और उसकी लाश वहाँ एक और पड़ी होती है। होली अपने साथियों को वार्न करने के लिए मुड़ती है कि वहाँ के छिपकली जैसे एलियंस उसको उठा लेते हैं। बाहर इन लोगों का नशा उतरते ही वे होली को ढूंढते हैं और उस क्रिस्टल पिरामिड पर पहुँचते हैं। वहाँ होली का बैग पड़ा होता है। वे समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है और वे अंदर जाते हैं। वहाँ छिपकली जैसे दो एलियंस घूम रहे होते हैं। ये लोग छुपकर देखते हैं कि दोनों एलियंस एक दूसरे के साथ बिजी होते हैं। फिर वे सांप की तरह अपनी स्किन उतार देते हैं। मार्शल और विल उस स्किन को पहनकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। वहाँ होली को एक पिंजरे में बंद करके गर्म लावे के ऊपर लटकाया होता है। उसके चारों ओर स्क्रीन पर एलियन जजेस दिखाई देते हैं। वे डिस्कस करते हैं कि इस औरत ने उस बुरे एलियन एनिक की मदद करने की कोशिश की थी। इस जून के लिए इसे यही मार डालना होगा। ये सुनकर मार्शल और विल भेस उतार कर कहते हैं अगर एनिक की मदद करना जुर्म है तो हमें भी सजा दीजिए। तब एलियन उन्हें बताते हैं कि एनिक ने धरती जैसे कई ग्रहों को नष्ट किया है और वो भी कई ग्रहों को मिटा देना चाहता है, इसीलिए हमने उसको कैद करके रखा है। लेकिन तुम लोगों ने उसकी मदद की और इसीलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। अब सारे एलियंस उन्हें अटैक करते हैं और ये लोग भी उनसे लड़ते हैं और उन्हें एक एक करके लावे में धकेल देते हैं। अब मार्शल लॉन्ग जंप करके होली के पिंजरे में पहुंचता है। दोनों के वजन से पिंजरा नीचे आने लगता है लेकिन उसके टूटने के एक सेकंड पहले दोनों दूसरी ओर जमीन पर कूद जाते हैं। जान बचाने के लिए होली मार्शल को किस करती है और बताती है कि असल में विलेन एनिक है, पर वो नहीं जानता कि हमारे पास टैक्यूमीटर आ चुका है। होली ऐसा कहकर खुश होती है पर मार्शल ने गलती कर दी थी। यहाँ आने से पहले उसने चका को एनिक के पास भेजकर उसे और उसके आदमियों को यहाँ मदद के लिए बुलाया होता है। अब एनिक अपनी सेना के साथ आ चुका होता है और टैक्यूमीटर उनके हाथ में होता है। एनिक एक होलोग्राम खोलकर दिखाता है और उसमें धरती को दिखाकर कहता है कि मेरे साथी एलियंस बच्चे पैदा करने में एक्सपर्ट्स हैं। तब विल कहता है कि हाँ अभी हमने गुफा में देखा था। एनिक कहता है कि बिल्कुल उसी तरह इन्हें तुम्हारी धरती पर भेजकर मैं इंसानियत का नाम मिटा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको मिटाने वाला हूँ। तब वहाँ टेरेस डायनासोर आ जाता है और मार्शल कहता है कि वो मेरे लिए आया है, तुम दोनों यहाँ से बच निकलो। पर होली नहीं जाती। मार्शल गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे प्यार वार नहीं करता, तुम्हारा तो चेहरा भी मुझे पसंद नहीं। ये कहकर वो उस पर पत्थर फेंक कर भाग जाता है। विल भी भाग जाता है। मार्शल अब टेरेक्स डायनासोर का सामना करता है और हाथ में एक बड़ी लकड़ी लिए खड़ा हो जाता है, पर टेरेक्स अपनी पूंछ से लकड़ी को जोर से फेंक देता है। अब उसे उठाने के लिए मार्शल समरसॉल्ट करता है पर आधे रास्ता भी पार नहीं कर पाता। फिर वो किसी तरह लकड़ी उठा लेता है और उससे पोल वॉल्ट की तरह जंप करता है। टेरेक्स को क्रॉस करने के बजाय सीधे उसके मुंह में पहुंच जाता है। होली रोने लगती है और गुस्से में नीचे उतर कर टेरेक्स पर पत्थर मारकर चिल्लाती है कि जिंदगी में पहली बार एक आदमी से मुझे प्यार हुआ था, इससे पहले कि मैं उसे अपने दिल की बात बताती तुमने उसको निगल लिया है। लेकिन टेरेक्स उसे घूर कर चला जाता है। तब होली फैसला करती है कि वो टैक्यूमीटर लेकर धरती पर वापस पहुंचेगी और दुनिया को मार्शल के काम के बारे में बताएगी। फिर वो अपने बेल्ट घुमाती हुई एलियंस के बीच जाती है और कुछ एलियंस को वो खत्म कर देती है, पर बाकी एलियंस उसे घेर लेते हैं। तब विल चका को उठाकर उन्हें अटैक करने लगता है पर वे उसे भी घेर लेते हैं। अब तीनों कन्फ्यूजन में होते हैं कि अचानक टेरेक्स वहां मास एंट्री मारता है और उसके ऊपर मार्शल बैठा होता है। टेरेक्स सारे एलियंस की धज्जियां उड़ा देता है। अब मार्शल टार्सन की तरह उसकी पूंछ पर फिसलकर नीचे आता है और एलियंस की आगे डटकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ ही पूछते हैं कि मार्शल तुम्हें तो टेरेक्स ने निगल दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे हुए? वो कहता है कि वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। अब टेरेक्स ने प्रोटेक्ट करने लगता है और वे उसके नीचे से चल रहे होते हैं, लेकिन होली और विल पूछते ही रहते हैं कि तुम टेरेक्स के मुंह से बाहर कैसे निकले। ठीक उसी वक्त मार्शल टेरेक्स के पिछवाड़े में खड़ा होता है और तब जाकर वे समझ जाते हैं कि वो बाहर कैसे आया। मार्शल भी मान जाता है कि हाँ भैया मैं पिछवाड़े से ही बाहर निकला। जब मैं उसके मुंह से पेट में पहुंचा तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लॉक था, मैंने हाथ से उसको क्लियर किया तो फिसलता हुआ नीचे आ गया। अब टेरेक्स का पेट भी ठीक हो गया और इसीलिए वो मेरा दोस्त बन गया है। वो सब छोड़ो, पहले टैक्यूमीटर का पता लगाना होगा। ये कहकर वे एनिक के डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। उसने धरती का दरवाजा खोल दिया होता है। अब मार्शल और एनिक में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच विल रेसलिंग वाले जॉनसना की तरह ऊपर से उन पर कूदता है, पर ये दोनों हट जाते हैं और वो धड़ करके नीचे गिर जाता है।
इस वाइब्रेशन से वहाँ का एक क्रिस्टल गिरकर टूट जाता है। तभी धरती का रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगता है। अब मार्शल झट से होली का क्रिस्टल निकालता है और उसे उस टूटे हुए क्रिस्टल की जगह पर फिक्स कर देता है। धरती का रास्ता खुल जाता है पर वो जल्दी बंद हो जाएगा, इसीलिए उन्हें वहाँ से निकलना होगा। पर एनिक विल का पैर पकड़ लेता है और मार्शल से पूछता है कि तुम्हें अपने साथी चाहिए या अपनी धरती। पर इतने में विल यूटर्न मारकर एलियन को पकड़ लेता है और कहता है, यार मार्शल तुम निकलो, इस छिपकली को तो मैं देख लूंगा। वैसे भी मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है क्योंकि चका ने अपने राज्य के बारे में जो बताया मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं वापस धरती पर जाकर उस बेकार सी दुकान में नहीं बैठना चाहता, मैं तो यही रहूंगा, तुम लोग निकलो यार। मार्शल और होली उस रास्ते से बाहर जाते हैं और सीधे उस गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब वहां विली का दोस्त पूछता है कि मेरा दोस्त कहां है। ये लोग बताते हैं कि अब वो यहां से भी बेहतर दुनिया में बस चुका है और कहकर दोनों गले मिलते हैं। यहां चका और विल रेगिस्तान से होकर चका के राज्य में पहुंच जाते हैं। इन्हें देखकर वहां की जनता खुशी से झूम उठती है और वहां की लड़कियां इनकी ओर दौड़ती हुई चली आती हैं। चका ने तो कहा था कि यहां की औरतें बहुत साधारण दिखती है पर ये लड़कियां तो बहुत ही सुंदर है। ये सोचकर विल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और यहाँ दिखाते हैं कि धरती पर टाइम ट्रेवल का पता लगाने की वजह से मार्शल बहुत ही फेमस हो चुका होता है। मूवी की शुरुआत में वो जिस मैट लुअर के इंटरव्यू में था अब दोबारा उसी के दूसरे इंटरव्यू में वो बैठ जाता है। उसने अपने सारे अनुभव एक बुक में लिखे होते हैं और वो मैट लुअर को बुक का टाइटल पढ़ने को कहता है और टाइटल ऐसा होता है कि मैट पढ़ने की जरूरत नहीं करता और रिवर्स को सीधे बुक का कवर दिखाता है। फिर गुस्से में आकर वो मार्शल पर चपट पड़ता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर ये साइंस फिक्शन कॉमेडी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए जरूरी हैं। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।